मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने दतिया जिले में स्थापित पीथाम्बरा पीठ मंदिर पर पूजा अर्चना की और अश्वत्थामा द्वारा स्थापित महाभारत कालीन भगवान शिव की रुद्राभिषेक कर अनुष्ठान पूर्वक पूजा की। इसके उपरांत मंत्री श्रीमती गौर पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास में निरीक्षण करने पहुंची और छात्रावास में रहने वाली छात्राओं से मुलाकात कर छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं के विषय में जानकारी ली और मंत्री ने छात्राओं से पूछा कि उन्हें कन्या छात्रावास में रहने में कोई परेशानी तो नहीं है। छात्राओं से उनसे उनका हालचाल जाना। इस दौरान श्रीमती कृष्णा गौर ने छात्रावास परिसर में अशोक का पौधा लगाकर वृक्षारोपण किया। जिस दिन से मैंने विभाग की जिम्मेदारी संभाली है उस दिन से लगातार इस बात का फोकस मेरा है कि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ओबीसी के हॉस्टल्स हैं उन हॉस्टल्स का औचक निरीक्षण करके वहाँ की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है या नहीं इसका जानकारी मैं उपलब्ध करूँ और उसके साथ ही मेरे सभी बच्चों से जो उन हॉस्टल्स में रहकर अपने कैरियर के निर्माण करने का काम कर रहे हैं उनकी समस्याएं सुनकर और क्या अपेक्षाएं सरकार से है वो जानकर उनको दूर करें ताकि हमारे बच्चे अच्छे वातावरण में अच्छे हॉस्टल में सारी सुविधाओं के साथ पढ़ सके, अपना कैरियर बना सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। और इसी संदर्भ में आज दतिया माई के दर्शन करने जब उपस्थित हुई थी तो दतिया में हमारे गर्ल्स हॉस्टल का औचक निरीक्षण करने पहुँची। सारी व्यवस्थाएँ हॉस्टल्स की हमने अपने बच्चों से पूछने के बाद ये माना है कि वैसे तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से है लेकिन जगह की बड़ी कमी यहाँ पर है क्योंकि 2012 में जब ओबीसी विभाग बना और उसके पहले एसटी के साथ शामिल था तो सारे हॉस्टल्स एक साथ संचालित होते थे लेकिन विभाग अलग होने के बाद हमारे अन्य जिलों में तो एसटी और ओबीसी के हॉस्टल्स को अलग अलग कर दिया गया लेकिन दतिया में आज भी एसटी और ओबीसी का हॉस्टल एक साथ लग रहा है जिसमें हमारी बेटियों को बहुत कम रूम यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारी ओबीसी की बेटियाँ चाहकर भी यहाँ आ नहीं पा रही हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि हमारा खुद का अलग से कोई हॉस्टल हो या एसटी का नया हॉस्टल बन जाए ताकि पूरे हॉस्टल में हमारी पूरे 50 सीटर का जो हमारा तय है वो 50 सीटर में हमारी बेटियां पढ़ सके। साथ ही साथ मेरी हर हॉस्टल्स की 5 प्राथमिकताएं मैंने तय की है जिसमें वाईफाई हर हॉस्टल में, मेस की सुविधा हर हॉस्टल में, सोलर पैनल लगाना, ई लाइब्रेरी का निर्माण करना और साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों को प्रेरित और जागरूक करने के लिए जिम की व्यवस्था करना। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने यह प्रस्ताव पहुंचा दिया है, वो भी इससे सहमत है। बहुत जल्द मेरे हॉस्टल के, मध्य प्रदेश के सारे हॉस्टल्स में मेरे ओबीसी के सभी बच्चों को इन 5 प्राथमिकताओं के साथ हम वो सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे जिनकी आवश्यकता हमारे बच्चों को है।